इतने सारे लोगों का ध्यान भंग हुआ ना। और थोड़ा पीछे करो। मैं आप सबसे कह रहा था, काश हम अपने जीवन के मूल्य और महत्व को समझते। जीवन से मूल्यवान संसार में और कुछ भी नहीं है। दुनिया की सारी मूल्यवान वस्तुओं को एक तरफ लाकर रख दे तो भी हम जीवन के बराबरी का मूल्य नहीं पा सकते। तो हम जीवन के मूल्य को समझे, महत्व को समझे और अपने जीवन को निखारने का सत प्रयत्न करें। जब तक हम अपने जीवन में निखार लाने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। मैंने परसों के दिन से एक श्रृंखला चालू की थी, अपने दोषों के शमन का। जब तक हम अपने दोषों का शमन नहीं करते, दोषों का शोधन नहीं कर लेते, तब तक हम अपने जीवन को पवित्र नहीं बना सकते। और जब तक जीवन को पवित्र नहीं बनाते, तब तक हम सच्चे सुख, शांति और आनंद का अनुभव भी नहीं कर सकते। जीवन में सच्चे सुख शांति का अनुभव हमको पाना है तो उसके लिए हमें बहुत सावधान होना होगा और अपने जीवन का हमें ठीक ढंग से ध्यान देने की ज़रूरत है। विगत दिनों मैंने आवेश की चर्चा की थी, आवेश, अहम, ईर्ष्या, चिंता, कपट, कृतघ्नता, कुटिलता, ये ऐसे कुछ दुर्बलताएं हैं जो हमारे जीवन को तहस नहस कर देती हैं। अहंकार की बात मैंने पिछले दिनों की, आज एक ऐसे दुर्बलता की चर्चा आप सबसे मैं करना चाह रहा हूँ जिससे हर कोई ग्रसित है। आवेश के साथ है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी दुर्बलता है जो सारे संसार को अपने चपेट में लिए हुए। हमारी अनेक दुर्बलताएं हैं, एक है क्रोध, एक है ईर्ष्या। क्रोध प्राय पुरुषों में ज्यादा होता है, ईर्ष्या महिलाओं में अधिक होती है। इस ईर्ष्या के दुर्गुण के रहते हम अपने जीवन को कभी शांत नहीं कर सकते। जो मनुष्य ईर्ष्या में जीते हैं वे अपने जीवन के परम ऐश्वर्य को नष्ट कर डालते हैं, क्योंकि ईर्ष्या हमारे आंतरिक ऐश्वर्य को लील जाती है। ये एक बहुत भयानक दुर्बलता है जिसका शिकार मनुष्य 24 घंटे आग में धू धू कर जलता हुआ महसूस करता है। आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखने की कोशिश की? आपके मन में कभी किसी से ईर्ष्या हुई? ईर्ष्या का मतलब क्या है? ईर्ष्या एक बीमारी, और कोई भी बीमारी हो उसका इलाज करना चाहें तो हमें उसका लक्षण भी देखना चाहिए, कारण भी देखना चाहिए, उसके परिणाम पर भी विचार करना चाहिए और निवारण का उपाय सोचना चाहिए। आज चारों बातें मैं आपको बताऊंगा। ईर्ष्या का लक्षण, किसी भी व्यक्ति से कहो तो वो कहेगा ईर्ष्या बहुत बुरी चीज़ है और मैं तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मेरे मन में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं। हर आदमी यही कहता है, यह अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ आपके मन में कभी किसी से ईर्ष्या ना हो, पर कहने से क्या होगा? अगर उसके लक्षण तुम्हारे जीवन में हैं तो तय मान करके चलना, तुम्हारा चित्त ईर्ष्या से भरा हुआ है, तुम्हारा चित्त ईर्ष्या से विदग्ध है, वो अंदर अंदर जल रहा है। जैसे कहीं आग लगती है तो उसकी आंच का अनुभव होता ही है। यदि तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या है तो उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में अवश्य पड़ेगा, उसके बिना नहीं रहेगा। चलिए मैं लक्षण से आपको अवगत कराता हूँ, ईर्ष्या के चार लक्षण आपको बता रहा हूँ, जो मोटे लक्षण है। ऐसे लक्षण तो बहुत है, लेकिन ये चार लक्षण में एक भी है तो समझना मेरे अंदर ईर्ष्या की आग जल रही है। नंबर वन, किसी की प्रगति न देख पाना। आप लोग बोलते देश दूसरों की प्रगति को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरो। कोई प्रोग्रेस करता है, तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? किसी की प्रगति से प्रसन्नता होती है या तकलीफ? किसी भी व्यक्ति की प्रगति से प्रसन्नता है तब तुम्हारे उसके बीच के संबंध अच्छे हैं, मधुर हैं।
और प्रगति को सुनकर के तुम्हारे मन में तकलीफ हो रही है, नकारात्मक प्रतिक्रिया हो रही है, हर्ष का अभाव दिख रहा है, तो मामला गड़बड़ है। देखो तुम्हारे भाई के बेटे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तुम्हारा बेटा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, उसका सामान कॉलेज में दाखिला हुआ, और तुम्हारे भाई के बेटे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। समाचार सुनकर तुम्हारा चेहरा खिलता है या मायूसी छाती है? ईमानदारी से बोलना। हाँ, ये किसका सिंबल है? क्या है? होता है ना ईर्ष्या? अच्छी बात है, प्रसन्नता आती है, इससे खुशियाँ मिलती है कि महाराज सारी खुशियाँ स्वाहा हो जाती है। होना क्या चाहिए कि चलो मेरा नहीं तो कम से कम मेरे भाई का तो हो गया, मेरे भाई के बेटे का तो हुआ, वाकई में वो उसके लायक था, वो काबिल था, उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, वो मेहनत करता है, मेरा बेटा अब इससे प्रेरणा लेगा, वो भी अच्छी मेहनत करेगा तो आगे प्रोग्रेस करेगा। एक प्रतिक्रिया ये है, और दूसरी प्रतिक्रिया है कोई जुगाड़ से किया है, कोई तिकड़म लगाया है, जरूर कोई सेटिंग होगी। कौन सी प्रतिक्रिया होती है, पहले वाली या बाद वाली? ध्यान रखना, जिसके प्रति मन में प्रेम होता है उसकी प्रगति से प्रसन्नता होती है, और जिसके प्रति मन में ईर्ष्या होती है उसकी प्रगति को देखने से आग लगती है। अपने हृदय को टटोलो, औरों से तुम्हारे संबंध कैसे हैं, प्रेम पूर्ण या ईर्ष्या प्रेरित? तुम्हारे अपने रिलेशंस कैसे हैं, प्रेमापूरित संबंध होना चाहिए, ईर्ष्या प्रेरित नहीं। हमारे रिलेशन अच्छे बने लेकिन मन है कि प्रायः ऐसी ही दिशा में भागता है, कोई प्रोग्रेस करे और हमें बर्दाश्त हो जाए, ये नहीं। अच्छा एक बात और, आपने अनुभव किया होगा, मन में जो ईर्ष्या होती है वो गैरों से नहीं होती, अपनों से होती, अपने भाई बंधुओं से, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से, अपने रिलेटिव से, अपने कलिंग से, अपनों से ही ईर्ष्या होती है, जबकि होना चाहिए प्रेम। तो जहां प्रेम प्रणपना चाहिए वहां ईर्ष्या सुलगती है, नतीजा क्या होगा? सब भस्म होगा, मन की शांति को भस्म कर डालती है ईर्ष्या। किसी की प्रगति देखी और तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव उभड़ा, इस ईर्ष्या के भाव से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बहन अपने मायके गई और मायके से लौट कर आई, उसके भाई ने उसे मोतियों का बढ़िया हार दिया, कीमती हार। आई तो उसने जेठानी को दिखाया कि देखो मेरे भाई ने ये हार दिए, हार वाकई में बहुत अच्छे थे, लेकिन जेठानी जैसी अपने देवरानी के पास ऐसे हार देखी तो वो अंदर से सुलग गई। उसने कहा बहन आजकल जमाना खराब है, बहन आजकल जमाना खराब है, लोग असली मोती बोलकर नकली मोती पकड़ा देते हैं, असली और नकली मोती की पहचान करना बहुत कठिन है, तो एक काम कर वो हार मुझे दे, मैं अपने दांतों से चबाऊंगी, अगर असली होंगे तो कुछ नहीं होंगे, नकली होंगे तो टूट जाएंगे, तुम अपना हार दो, मैं अपने दांतों से चबा कर देखती हूँ, असली हो तो कुछ नहीं होगा और नकली होंगे तो सब टूट जाएंगे। देवरानी अपनी जेठानी की मनसा को समझ गई और कहा रहने दो दीदी,
असली मोती की पहचान के लिए दांत भी असली चाहिए। असली दांत से ही असली मोती की पहचान होगी। क्या होता है, अपने मन को संभालो। कभी कोई प्रगति करे तो तुम उसकी पॉजिटिव प्रतिक्रिया करो, नेगेटिव नहीं। अगर तुम्हारे मन में जलन कुलन है तो तुम्हें इलाज की जरूरत है। ये बीमारी लग गई है और ये बीमारी बढ़ते 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 न जाने कौन सा रूप लेगी, जिसकी चर्चा अभी मैं कहूंगा। तन की बीमारियां हमारे लिए उतनी विघातक नहीं है जितनी कि ये मनोकायिक बीमारियां हैं, जो हमारा सत्यानाश कर डालती है। कोई दूसरा थोड़ा भी कुछ अचीवमेंट करे और तुम्हारा मुंह बिगड़े, ये अच्छी बात नहीं है। ये ईर्ष्यालु की पहली पहचान। दूसरा, किसी की प्रशंसा न सह पाना। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे अपनों की कोई प्रशंसा करता है, उस समय तुम्हारी क्या मनस्थिति होती है? बॉडी लैंग्वेज सब बता देती है, भाव भंगिमा से सब पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कितने पानी में है। प्रायः लोग एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सह पाते। और एक बात बताऊं, जो व्यक्ति आत्म प्रशंसक होता है वो पर की प्रशंसा सह नहीं पाता, और ऐसे लोग बड़े हल्के प्रकृति के लोग कहलाते हैं। तुम्हारे सामने यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है और वो प्रशंसा में सच्चाई है तो तुम्हें हर्षित होना चाहिए। हाँ, जिसने प्रशंसनीय कार्य किया है उसकी प्रशंसा होती है और यह प्रशंसा सही है क्योंकि वो उसके लायक है। लेकिन अक्सर लोगों को दूसरों की प्रशंसा हजम नहीं हो पाती, और जैसे ही किसी की प्रशंसा चालू हुई, सामने वाला तो बहुत अच्छी प्रशंसा कर रहा है, धीरे से कह रहा भैया ठीक है, तुम्हें अंदर की बात पता नहीं है। क्या अंदर की बात पता नहीं है? मैं कहता हूं सामने वालों को अंदर की बात पता हो या ना हो, हमें तो तुम्हारी अंदर की बात पता लग गई कि आग लगी हुई है, आग सुलग रही है, ये अंदर की बात है। इस बात को संभालो। किसी की प्रशंसा को तुम पचाओ या ना पचाओ, जो प्रशंसनीय कार्य करेगा वो प्रशंसा का पात्र तो होगा ही होगा। जिस फूल में सुगंध होगी तो फैलेगी ही फैलेगी। तुम राख रोकने की कोशिश करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो स्वाभाविक सुगंध है जो समय पाकर के फैलती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व गहरा होता है, जो अच्छा काम करते हैं, सारा जगत उसका नाम लेता है। दो चार आदमी, दो चार ईर्ष्यालुओं के इधर उधर की बातें फैलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम उसकी जितनी आलोचना करोगे वो उतना प्रखर होगा, क्योंकि उसकी बुनियाद अच्छी है, उसका व्यक्तित्व गहरा है। उथले व्यक्तित्व के धनी किसी की प्रशंसा को सह नहीं पाते, ये ईर्ष्या। एक दूसरे की प्रशंसा को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। एक सृष्टि के यहां दो विद्वान पहुंचे। सृष्टि हमेशा विद्वत जनों का समागम करता था, सत्संग प्रेमी था और गुणानुरागी था। दोनों विद्वान बड़े पहुंचे हुए विद्वान थे। सुबह हुई, एक फ्रेश होने के लिए गया तो दूसरे विद्वान से बातचीत के क्रम में सेठ ने पहले विद्वान की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। बोले, डॉक्टर साहब, पंडित जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने सुना है काशी में बड़ा नाम है उनका, न्याय व्याकरण और सिद्धांत में उनकी जबरदस्त पकड़ है, वे गुण से गुण ग्रंथों की बड़ी सरलतम व्याख्याएं करते हैं, और मैंने सुना उनको तो सारे ग्रंथ मुखाग्र है, हजारों श्लोक उनके जवान पर है। बात पूरी नहीं हुई, कहां भ्रमित हो रहे हो सेठ जी, कुछ नहीं है,
150 गाथाएं रट लिए, वही सुनाते फिरते, इसलिए नाम है, असलियत कुछ नहीं है, वो तो निपट गधा है, गधा निपट गधा है। पंडित की बात को सुनकर सेठ जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करे, ठीक है। बातचीत का दौर आगे बढ़ा, थोड़ी देर में पंडित जी आ गए, अब इनके जाने का नंबर आया, ये गए तो पंडित जी ने उन्हें टटोलने के, सेठ जी ने उन्हें टटोलने के मूड से कहा, पंडित जी डॉक्टर साहब तो बड़े पहुँचे हुए, मैंने सुना यूनिवर्सिटी के मुख्य हैं, अनेक ग्रंथों का संपादन कर रखा है, खुद PhD और डिलीट किया है, अनेक लोगों को अपने मार्गदर्शन में PhD भी करा रखी है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे संपादक हैं, क्या ख्याल है आपका? अरे भैया कहाँ चक्कर में फंसे हो, वो तो निरा बैल है, बैल इतनी सारी PhD कर रखा, तुम्हें पता नहीं आजकल की PhD का मतलब क्या है, किसी पुस्तक के एक अंश को चुरा करके प्रकाशित करना साहित्यिक चोरी है, और 10 पुस्तकों के अंश को निकाल कर 11वीं पुस्तक बना लेने का नाम PhD है। आजकल की PhDयां ऐसी होती, कुछ नहीं धरा इसमें, वो तो एकदम निरा बैल है, बैल। ठीक, अब नाश्ते का समय हुआ तो उनने क्या किया, 2 अलग अलग टोकरी में एक के सामने घास और एक के सामने भूसा रख दिया, एक के सामने घास की टोकनी रख दी और एक के सामने भूसा। पूछा भैया ये क्या कर रखा है, ये क्या तमाशा? बोले बस महाराज स्वीकार करो, नाश्ता करो। ये क्या, ये पंडितों का अपमान नहीं है, विद्वानों का अपमान नहीं है? माफ कीजिएगा, मैंने कभी विद्वानों का अपमान नहीं किया, विद्वानों को ही सदैव अपना आदर्श माना है और उनके इंगित के अनुरूप ही कहा है, कार्य किया है, व्यवहार किया है। आप में से एक ने एक को गधा कहा और दूसरे ने दूसरे को बैल, तो गधा के लिए घास है और बैल के लिए भूसा है, इससे अच्छा भोजन आपका और क्या हो सकता है। दोनों पंडित एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, उन्हें समझ में आ गया ईर्ष्या और मात्सर्य का क्या कुपरिणाम होता है। वस्तुतः जो दूसरों की प्रशंसा को सहने में असमर्थ होते हैं, उनकी इससे भी जघन्य स्तर की प्रतिक्रियाएं होती है। कहीं किसी की प्रशंसा हो, कहीं किसी का नाम हो, कहीं किसी का प्रभाव बढ़े और दूसरों की नींद उड़े, ये प्रवृत्ति है, लोग ऐसा करते हैं। हमें यहाँ बहुत सावधान और सजग होकर के चलना चाहिए, ये ईर्ष्या की पहचान है। तीसरा लक्षण, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर दूसरों पर, सामने वाले पर दोषारोपण करना, पक्षपात का आरोप लगाना। एक परिवार, 4 भाई हैं, बहुएं हैं, कोई ज़्यादा एक्टिव है, अच्छी सेवा कर रहे हैं, सरलता से काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है जो अच्छा काम करता है, जो ज़्यादा गुणी है, ज़्यादा सेवक है, उसके प्रति बड़ों का विशेष स्नेह रहता है, बड़ी कृपा रहती है। दूसरा वो तो नहीं कर रहा, वहाँ तो अपने आप को सुधारने की कोई बात नहीं, अपितु आरोप लगा रहा है, ये लोग तो केवल उसी को देखते हैं, मेरे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये ठीक नहीं है, उसके ऊपर इतना ध्यान क्यों, लोग उसके लिए इतना पागल क्यों, ये पक्षपात है, ये सरासर पक्षपात है, ये पक्षपात नहीं तो क्या। इस तरह के आरोप की भाषा आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे भैया उस आदमी का इतना नाम हो रहा है, उसके लाइकिंग इतनी अधिक है, तो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड है, उसका बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, उसकी प्रवृत्ति है, तुम वैसे हो जाओ तुम्हारा भी होगा, लेकिन वो तो होगा नहीं। टारगेट औरों को तो छोड़ो, साधुओं को भी लपेट लेते हो तुम। एक जगह मैं था, 10-12 चौके लगते थे, एक के चौके में पहले ही दिन आहार हो गया, किसी ने कहा कि उसके यहां तो पहले दिन आहार हो गया, होगा ही 24 घंटे लगा रहता है, महाराज भी पक्षपात करते हैं। हमने कहा ठीक, तो तुम भी लग के बताओ तो तुम्हारे यहां भी हो जाएगा।
उसने सेवा की, उसका पुण्य प्रगाढ़ है, उसका प्रभाव है और उसके निमित्त से ये संयोग बन गया तो बन गया। तुम ईर्ष्या क्यों करते हो? तुम उसकी तरह लग के तो देखो। मन दुर्बल है। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक झरने के पास गया, प्यास लगी थी, एक कटोरा भराया, बढ़ाया, कटोरा भरा, पानी पीने को हुआ कि तभी देखा एक पन्हारिन आई, उसने पूरा घड़ा भरा, घड़ा भर के ले गई। एक पनभरवा आया, उसने पूरे पानी का भार भरा और निकलता आगे बढ़ा। उसके मन में आग लगी, बोले ये झरना कैसा पक्षपाती है, ये झरना कैसा पक्षपाती है, पन्हारिन को पूरा घड़ा, पनभरवा को पूरा भार और मेरे को एक कटोरा, ये पक्षपात नहीं तो क्या। अब बोलो झरना क्या करे, झरना क्या करे, झरना तो उड़ेल रहा है, इसमें दोष झरना का नहीं, दोष उसके पात्र का है। झरना कहता भैया तू कटोरा लेकर आया तो मैंने तुझे कटोरा भर दे दिया, तू भार की बात करता है, अगर तू पूरा टैंक लेकर आता तो मैं टैंक भी भर देता। मुझ पर आरोप लगाने की जगह अपनी पात्रता बढ़ा, जिससे तू निहाल होगा। आरोप लगाने वाले तो ऐसे बेमौत मरते हैं। अपने आप को निहाल करना है तो आरोप मत लगाओ, अपना अपनी पात्रता को बढ़ाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी साधना को और अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयत्न करो तो तुम्हारे जीवन में कुछ होगा। लेकिन अक्सर लोगों के अंदर ये तीसरा लक्षण भी दिख जाता है। और चौथा लक्षण कुछ लोगों के स्वभावतः ही व्यर्थ में ही जलना कुड़ना, कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है, जलन, किसी से भी जलन, किसी से भी कुड़न। जैसे आपने देखा किसी के शरीर में घाव हो और उसमें नमक का पानी डालो तो जहां घाव होता वहां जलन होती। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा छिछला होता है कि उनको हर पल जलन की महसूस हो, अनुभव, जबरदस्त ईर्ष्या। ऐसे लोग ईर्ष्यालु नहीं, ईर्ष्या की प्रतिमूर्ति बन जाते। क्या टेंडेंसी होती होगी उनकी। एक वृद्धा, दिनों दिन उसका शरीर छीन हो रहा था। बेटे ने माँ से पूछा, माँ आखिर तेरे को क्या बीमारी है। डॉक्टर को दिखाया, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो एक दिन बेटे ने पूछा, आखिर माँ तेरे को तकलीफ क्या है, सब कुछ खाना पीने का सारा इंतजाम है और उसके बाद तू दिनों दिन इतनी दुर्बल क्यों होते जा रही है, इतनी कमजोर क्यों हो रही है, तेरी काया इतनी छीन क्यों हो रही है। तो उसने जो कहा वो बहुत ध्यान देने लायक है। बेटे, पड़ोस वाले घर में ना रोज सुबह सुबह दही का मंथन किया जाता है, उनके यहाँ खूब घी दूध दही होता है, तो जब वो मथानी चलती है ना तो मुझे लगता है वो मथानी दही में नहीं चल रही, मेरी छाती में चल रही है। मुझे उससे बड़ी तकलीफ होती है कि इनके यहाँ घी दूध का कि नदी क्यों बह रही है। अब ऐसे को क्या कहेंगे, ऐसे को क्या कहेंगे। ऐसे लोग कहीं के नहीं हैं, वे घोर ईर्ष्यालु होते हैं और उनके जीवन का पतन उसी अनुरूप होता जाता है। अपने आप को इन चारों लक्षणों से बचाना है। हैं एकाद कि एक भी नहीं है। मान लूं यहाँ बैठे लोगों में इनमें से एक भी लक्षण नहीं है, क्या बोलो तो क्या मानूं। हाँ, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ है कि नहीं है ये बताओ ना, यस और नो है ना, ये लक्षण है। और यदि ये लक्षण है तो बड़े खतरनाक है, इनको बाहर करना है, इन्हें दूर करना है, इन्हें समाप्त करना है, इनके प्रति जागरूक होना होगा। अब चलिए, ये सारे लक्षण हैं वो क्यों प्रकट होते हैं, ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होती है, पहले वहां आ जाएं।
ताकि फिर बाद में इसका ट्रीटमेंट ठीक ढंग से हो, कोई चिंता नहीं करना। कारण, कारण भी मुझे चार दिखते हैं। सबसे पहला अहमन्यता, अहमन्यता, अहमन्यता मतलब मैं ही सबसे बड़ा, मुझसे बराबरी का कोई नहीं, जो कुछ हूं सो मैं ही हूं। ये जो इगोइस्ट नेचर होता है, अपने आगे किसी को न गिनने वाला, सबको अपने से हीन महसूस करने वाला, दूसरों को अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करने वाला मनुष्य ईर्ष्यालु होता है। वो अगर कोई आगे बढ़ता है तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, वो किसी भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति की प्रोग्रेस को पचा नहीं पाएगा। उसकी अहमन्यता, उसे लगता है ये आगे बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा। संत कहते हैं यही तुम्हारी कमजोरी है। वो आगे बढ़ा अपने प्रयत्नों से, तुम आगे बढ़ो अपने प्रयास से, तो तुम भी आगे बढ़ जाओगे। लेकिन दुनिया बड़ी खराब है, मैं पीछे रह जाऊं इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये अहंकार पूर्ण प्रवृत्ति है, और आज ऐसे अहमन्य लोगों की भरमार है। वे अपने आगे किसी को कुछ गिनते नहीं, और यदि कोई आगे बढ़ने की स्थिति में होता है तो सब प्रकार के हथकंडे अपनाना शुरू कर देते हैं। वे नीचता की चरम सीमा पे भी पहुंच जाते हैं। जो भी इस तरह की प्रवृत्ति वाला होगा वो किसी की प्रगति को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अहमन्यता बहुत बड़ी दुर्बलता है, इनसे बचना चाहिए। दूसरा है अनुदारता। अनुदारता, कोई की प्रशंसा पचने नहीं देगा। जो व्यक्ति उदार होते हैं वे सबकी प्रशंसा को पचाते हैं और प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा सुनते हैं, उनका मन प्रशंसा से प्रसन्न होता है। लेकिन जो व्यक्ति अनुदार होते हैं वो दूसरों की प्रोग्रेस को, दूसरे की प्रशंसा को कभी भी पचा नहीं पाते। वो कोई हो थोड़ा भी कुछ करे तो उनके मन में उससे तकलीफ होती है। ये अनुदारता बड़ी भयानक है, इससे हमें बचना चाहिए। तीसरा कारण है ओछी मानसिकता, मीन मेंटालिटी। ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी बहुत हल्की होती है, ओछी मानसिकता होती है, उनके व्यक्तित्व में बड़ा उथलापन होता है। वे कभी किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, उनकी पूरी ताकत सामने वाले को नीचे गिराने में लगी होती है। बड़ी मुश्किल होती है। ओछी मानसिकता वाले लोग सामने वाले का नुकसान करने के लिए खुद का नुकसान झेलने को भी तैयार रहते हैं। आपको कहानी पता है ना, कि एक ईर्ष्यालु था, बड़ी ओछी मानसिकता वाला था। उसने देवता का आराधन किया और देवता उससे प्रसन्न हुए। पूछा, मांगो क्या मांगते हो? लेकिन तुम जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे दूना दूंगा, जो तुम मांगोगे पड़ोसी को उससे दूना दूंगा। अब क्या करे? तो उसने कहा, एक काम करो, मेरे घर के आगे एक कुआं खोद दो, पड़ोसी के घर के आगे दो कुआं खोद गया। फिर उसने कहा, मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई।
एक कहानी है, हम हंसते हैं इस कहानी में, लेकिन क्या इस तरह का व्यवहार, इस तरह की प्रवृत्ति जीवन में नहीं आती? एनी हाउ सामने वाले को नुकसान होना चाहिए, चाहे उसके लिए मेरा कुछ भी हो जाए। कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है। ये कौन से मेंटेलिटी का उदाहरण है? ये ओछी मानसिकता है। ऐसी मानसिकता से भरे लोग कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी सकते। उनका व्यक्तित्व उथला होता है, हल्का होता है, क्योंकि घटिया मानसिकता में जीने वाले लोग बढ़िया जीवन जी ही नहीं सकते। अच्छी मानसिकता होगी तभी अच्छा जीवन होगा। इस मानसिकता से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। और चौथा है नकारात्मक सोच। हर बात को नेगेटिव 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 एटीट्यूड से देखने वाले लोग ईर्ष्या से विदग्ध होते हैं। तो मैंने लक्षण बता दिए, कारण बता दिए, अब इसका नतीजा क्या होता है? ईर्ष्या का अंत किस में होता है? विद्वेष, बैर, प्रतिशोध और षड्यंत्र, ये ईर्ष्या के परिणाम है। जिनके प्रति भी ईर्ष्या होगी उनसे आपके मन में द्वेष बढ़ेगा, कटुता बढ़ेगी। 24 घंटे आपका मन सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए उलझा रहेगा। हर पल घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप की बात दिमाग में आएगी, दांव पेच चलते रहेंगे। आप चाहते क्या हो? गैर औरों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाना या देशपूर्ण संबंध बनाना? कैसा संबंध रखना चाहते हैं? फैले प्रेम परस्पर जग में कि फैले द्वेष परस्पर जग में? क्या भावना है तुम्हारी? फैले प्रेम परस्पर जग में। तो जग में प्रेम फैलाना चाहते हो तो सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, देश पूर्ण व्यवहार मत करो। अगर तुम्हारे ईर्ष्या हृदय में ईर्ष्या होगी तो एक भी प्रेमी नहीं होगा। सबसे तुम्हारा संबंध देश पूर्ण होगा। और यही ईर्ष्या जब बढ़ जाती है तो बैर का रूप ले लेती है, एक दूसरे के प्रति वैर की गांठ बन जाती है। फिर जब बैर हो गई तो प्रतिशोध की ज्वाला जग जाती है, बदला लेना है, चाहे जैसे बदला लेना है, सामने वाले को धूल चटाना है, सामने वाले को मजा चखाना है। ये प्रतिशोध की भावना जो एक प्रकार की हिंसा है बहुत तेजी से पनपती है और व्यक्ति का जीवन उससे अशांत हो जाता है। अंदर ही अंदर व्यक्ति खोखला होता जाता है। ये बड़ी भयानक स्थिति होती है। और इसका सबसे विकृत रूप बनता है षड्यंत्र। उस षड्यंत्र में रचकर कुचक रचकर आदमी सब प्रकार की नैतिकता और धर्म की मर्यादा को भी ताक पे रख देता है। मैं दो भाइयों के बारे में जानता हूं। देश भर के अखबार में यह घटना छपी, नामोल्लेख किए बिना मैं उल्लेख कर रहा हूं। अपने ही समाज के बंधु, दोनों का अपना कारोबार, एक ही कारोबार, नमकीन के कारोबारी थे। ये घटना आज से लगभग 6-7 साल पुरानी है। नमकीन के कारोबारी दोनों अपना अपना कारोबार कर रहे थे, पहले साथ में करते थे, अब दोनों अलग अलग हो गए।
साथ करते थे अलग अलग हो गए, एक भाई का कारोबार कुछ ज्यादा चल निकला, दूसरे भाई का कारोबार ठीक था लेकिन ये कुछ ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा बढ़ने से भाई को भाई का प्रोग्रेस पच नहीं पाया और उसने अपने ही भाई के लिए सुपारी दिलवा दी, सगे भाई के लिए। और कहते हैं भाई जब भगवान के दर्शन करके मंदिर से निकल रहा था सुबह सुबह, पेशेवर शूटरों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी। भाई ऑन स्पॉट मर गया। बाद में भेद खुला तो एक भाई मौत से मरा, दूसरा जेल में सड़ा, उसे सजा हुई। भेद तो सब खुलता ही है, सब चौपट हो गया। ये किसका परिणाम? किसका परिणाम? ईर्ष्या का। ध्यान रखना, विकार को जिस स्थिति में दबा सको, शांत कर सको, वहीं कर दो, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते इतना विकराल रूप ले लेते हैं कि इन पर नियंत्रण पाना असंभव सा होता है। लोग साजिशें रचते हैं सामने वाले को बदनाम करने के लिए, लोग कुचक्र रचते हैं सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए। हालांकि एक बात बताऊं, ऐसा करने से जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो उसका नुकसान हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो ये कर रहा है उसका नुकसान तो हो कर ही रहेगा। दिया सलाई हमेशा दूसरे चीज को जलाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन जिसे जलाने के लिए दिया सलाई जलाई जाती है वो जले ये कोई निश्चित नहीं। ईंधन गीला हो, हवा का झुका आ जाए तो हो सकता है जिसे हम जलाना चाह रहे वो न भी जले, पर दिया सलाई को तो पहले जलना ही पड़ता है। ईर्ष्या की आग दूसरों को जलाने के लिए लगाई जाती है, पर उस आग में सबसे पहले वो स्वाहा होता है जहां की वो लगी है, इस बात को कभी भूलना मत। और जब भेद खुलता है तो सामने वाले को मुंह की खानी पड़ती है। तो ईर्ष्या है और ईर्ष्या का परिणाम है। ईर्ष्या से हम बचे कैसे उसकी चर्चा करके बात पूरी करूंगा। आपको एक बात इस संदर्भ में कहूंगा, ये लोगों की प्रवृत्ति होती है और ऐसे लोग पूरे वातावरण को दूषित करते हैं। आपके सामने मैं एक बात कहूंगा, कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई करने के लिए आए या दूसरे के बारे में कुछ नेगेटिव बात करे, उससे आप सुरक्षित दूरी रख लेना और समझना ये आदमी ठीक नहीं है, इसके अंदर की ईर्ष्या बोल रही, द्वेषवश ऐसा बोल रहा है। ये व्यक्ति खतरनाक है, ये जहां जाएगा गंदगी फैलाएगा। आज यहाँ मेरे सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, कल दूसरों के सामने मेरी भी बुराई करेगा, मुझे इससे बचकर रहना है। और ऐसे व्यक्ति की बातों पर भरोसा कभी मत करना। और आजकल ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोगों की भरमार है और आपका सोशल मीडिया तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब इससे बचे कैसे? सबसे पहला उपाय, गुणग्राही दृष्टि अपनाए। दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करें। कोई में अगर गुण दिखे तो उसे ग्रहण करो, चाहे एक छोटा बच्चा हो या बूढ़ा। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई, उस अच्छाई की तरफ तुम्हारी दृष्टि जग जाए, जम जाए, तो तुम्हारे मन में फिर किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम उससे सीख रहे हो, उससे कुछ ग्रहण कर रहे हो, उससे कुछ लेने की प्रवृत्ति है। ईर्ष्या कभी उत्पन्न नहीं होगी। गुणानुरागी बने, गुणग्राही दृष्टि अपने अंतस में विकसित करेंगे, आपके अंदर की ईर्ष्या कभी नहीं पनपेगी। नंबर दो, अपनी लाइन लंबी करें। अपनी लाइन लंबी करने का मतलब खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कभी ना करें। मनुष्य को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, इसका निषेध नहीं है। आप आगे बढ़ें,
अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता और योग्यता को बढ़ाए जिससे आप आगे बढ़े। खुद को आगे बढ़ाए पर दूसरे को पीछे ढकेलने का प्रयास न करें। खुद को आगे बढ़ाने में स्पर्धा हो सकती है लेकिन दूसरे को पीछे ढकेलने में एक प्रकार की प्रतिद्वंद्वता होती है। दो तरह के प्राणी होते हैं, एक केकड़े जैसे और एक मछली जैसे। एक बार एक राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों के साथ चला जा रहा था। रास्ते में देखता है कि एक आदमी तालाब के किनारे केकड़ा पकड़ रहा है, उसकी टोकनी बिल्कुल बाजू में रखी है और टोकनी खुली। छात्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, सर ये आदमी तो बड़ा बेवकूफ़ी कर रहा है, टोकनी खुली है और बिल्कुल तालाब के बाजू में है, इसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, केकड़े उचकेंगे और एक झटके में पानी में चले जाएंगे। प्रोफेसर ने कहा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों सर? बोले तुम्हें नहीं मालूम ये केकड़े है। बोले केकड़े तो क्या हुआ? बोले तुम्हें नहीं पता ये जन्मजात राजनीतिज्ञ है, ये पैदाइशी राजनीतिज्ञ है, ये ऐसा होने नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले एक केकड़ा उचक कर बाहर आने को होगा, तब तक चार केकड़े उसके टांग खींचेंगे, एक भी नहीं जाएंगे। आज समाज में ऐसे टांग खींचने वाले केकड़ों की भरमार है। कोई थोड़ा आगे बढ़ने की स्थिति में होता है, दूसरे उसके टांग खींच करके नीचे की ओर लाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते। केकड़ा मत बनिए मछली। मछली को देखिए, एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है पर कोई मछली दूसरी मछली की टांग नहीं खींचती। जीवन मछली की तरह हो, खुद को आगे बढ़ाओ, खुद की क्षमता को आगे बढ़ाओ, अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा दो तो आप ईर्ष्या से बच सकेंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने उल्टा उल्टा किया, सामने वाले की लाइन को छोटी करने की कोशिश में ही अपनी शक्ति खपा दी, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। नंबर 3, औरों की प्रशंसा करने की आदत डालिए। किसी में कोई अच्छाई है, खुले मन से उसकी प्रशंसा कीजिए। चाटुकारी मत करना, सामने सामने प्रशंसा, पीठ पीछे आलोचना, वो तो बड़े भयानक होते हैं। नहीं, अगर किसी ने कोई काम किया, अच्छा काम किया, उसमें योग्यता है और मौके पर आप उसकी प्रशंसा कीजिए, दिल से प्रशंसा कीजिए। आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या नहीं जगेगी, आपका अनुराग बढ़ेगा। अगर कहीं मौका आता है वहां कोई कृपणता मत कीजिए। प्रशंसा से प्रेम और आत्मीयता के भाव विकसित होते हैं और आलोचना से ईर्ष्या और विद्वेष बढ़ती है। हमें जहां कहीं भी ऐसा मौका आए, सामने वाले की प्रशंसा करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा कार्य करे, खुले मन से प्रशंसा कीजिए, वाकई में क्या बढ़िया काम किया, क्या बढ़िया काम किया, क्या बढ़िया काम किया। ऐसा करोगे तो जीवन का मजा और आनंद ही कुछ और होगा। तो प्रशंसा कीजिए, खुले मन से प्रशंसा कीजिए। 4th बात, सकारात्मक सोचिए, हर बात में पॉजिटिव रखिए। अगर आपके अंदर सकारात्मकता होगी तो आपका मन कभी भी विचलित नहीं होगा, आपको हर्ष होगा। नहीं, चलो ठीक किया, हम नहीं कर पाए वो किया, अच्छा है कोई तो किया, हम इनसे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का उद्यम करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, ये भी आगे बढ़ेगा। इस तरह का भाव प्रतिभाव यदि हृदय में उत्पन्न होने लगे तो फिर ईर्ष्या को कभी स्थान नहीं मिल सकेगा। मैं एक स्थान पर था, देखिए सकारात्मक सोचने वाले लोग कितने होते हैं। एक परिवार में जेठानी और देवरानी सब होते हैं। देवरानी धार्मिक धर्मात्मा और जेठानी वगैरह धर्मात्मा उतनी नहीं, संपन्नता कुछ अधिक।
अब देवरानी के धर्मात्मा होने के कारण उसकी लाइकिंग बढ़ी, उसका व्यक्तित्व भी ऐसा, लोग उसको ज्यादा चाहें, समाज में उसका ज्यादा नाम। जब ज्यादा नाम हो तो स्वाभाविक रूप से दूसरे को तकलीफ होती है। लेकिन मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब जेठानी ने आकर भरे मंच से हमारे सामने प्रशंसा की और कहा कि हम इनके आगे बड़े जरूर हैं, लेकिन इनकी जो धार्मिकता और इनने जो कार्य किया, जो आगे बढ़ी हैं, इसको देखकर हम लोगों को हर्ष होता है, ऐसा मन करता है कि हम इनके चरण धो करके इनकी पूजा करें, ये इनकी काबिलियत है, ये प्रतिक्रिया बिरल होते हैं। मैंने टिप्पणी की, शंका समाधान में ही था, ये नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा। तो मैंने कहा कि आजकल मैंने ये उदाहरण तो बहुत देखा है कि अगर कोई देवरानी धर्म करे तो जेठानी का चेहरा बिगड़े, लेकिन आज पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोई देवरानी का नाम हो और जेठानी को हर्ष होता हो, ऐसा उदाहरण कम मिलता है। यदि आपके अंदर सकारात्मकता होगी तो हर्ष होगा, और एक बात बोलूं, आपकी प्रगति से किसी दूसरे के मन में हर्ष होगा तो आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और यदि आपकी प्रगति से कोई मुंह बनाएगा तो आपके मन में उसके प्रति क्या भाव होंगे? द्वेष द्वेष को बढ़ाता है और प्रेम से प्रेम पनपता है। अपने जीवन में प्रेम का विस्तार करना चाहते हैं तो एकदम से ध्यान रखिए, चार बातें जो ईर्ष्या से बचने के लिए मैंने आपको कही वो आपको ध्यान रखना है। गुणग्राही दृष्टि रखें, प्रशंसा करने की आदत डालें, सकारात्मक सोचें, प्रेम और अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करें। यदि ऐसा आप करेंगे निश्चयतः आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। एक मिनट में ये बात और कर लूं, कोई हमसे ईर्ष्या करे तो हम क्या करें, ये भी एक सवाल है। अरे हम तो ईर्ष्या नहीं करें, सामने वाला हमसे ईर्ष्या करे तो हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए वो जितना ईर्ष्या करे तुम उतना प्रेम करो, उससे प्रेम करो, तुम ईर्ष्या मत करो। आज नहीं कल उसका हृदय बदलेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबल पुरस्कार मिला, सारे विश्व से उनको बधाइयों का संदेश मिला, लेकिन उनके पड़ोस में एक आदमी रहता था, वो उससे बहुत जला करता था, चिढ़ा करता था। उसको आग लग गई और उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया, ये अंग्रेजों की चाकरी करके जुगाड़ से नोबल प्राइज़ पाए, ये नोबल प्राइज़ के लायक नहीं है। रविंद्र जी को ये समाचार मिला, वो रोज़ प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक से जब लौट रहे थे एक दिन सीधे उसके घर चले गए और उसके चरण छुए, बोले आशीर्वाद चाहता हूँ। उसके घर चले गए, चरण छू करके बोला आशीर्वाद चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद से मुझे ये उपलब्धि हुई। सामने वाला भौचक, ये आदमी जो नोबल प्राइज पाया है, सारे विश्व में जिसका नाम है, और वो आदमी आज मेरे चरणों को छू करके कह रहा आशीर्वाद चाहता हूँ, जो रात दिन इसकी बुराई करता है धन है। जैसे ही चरण छुआ उल्टे उसने उसको छाती से लगा लिया, आंखों से आंसू गिरने लगे और कहा भाई रविंद्र जी तुम ही इसके लायक हो, मैं तो व्यर्थ में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या करता था, लेकिन ये प्राइज तुम्हारे लिए मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी काबिलियत है, तुम्हारे अंदर योग्यता है। ऐसी सकारात्मकता यदि आपके अंदर विकसित होगी तो कोई कितना भी ईर्ष्यालु हो तुम पर तुम्हारा वो नुकसान नहीं कर सकेगा। कल उसका हृदय बदलेगा, और कदाचित वो न भी बदल पाए तो कोई कितना भी ईर्ष्या करे तुम उससे प्रभावित मत हो, ये सोचो उसकी वो जाने, मेरे कर्म के उदय के आगे और कुछ नहीं हो सकता, जो मेरे कर्मोदय में होगा वही होगा, वो तो निमित्त मात्र है। मेरे पुण्य का योग होगा तो सारी दुनिया मुझसे चाहे कितने भी खिलाफ क्यों ना हो जाए मेरा बाल बांका नहीं होगा, और जब मेरा पापोदय होगा तो एक छोटा सा निमित्त भी मेरे लिए नुकसानदायी बन सकता है। मेरा काम है कि मैं सही रहूं, मैं सही करूं, बाकी लोग क्या मानते हैं हमें उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना, देख करके भी अनदेखा करने का प्रयत्न करना है, तभी हम अपने जीवन में सुखी हो सकेंगे, शांत हो सकेंगे और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। समय आप सबका पूर्ण हो गया, यही पर विराम, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जय जय पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी की।